अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ऐसे बड़ों पे हाथ कैसे उठा सकती हो? ये तुम्हारी परवरिश नहीं है ना? पंडित जी और पंडिताइन जी ने तुम्हें तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अब आपको कौन बचाएगा? क्योंकि आप माझी की नहीं, आप हमारी रिमझिम दी की भी गुनहगार हैं। बहुत मजा आ रहा था ना आपको, जब आपका वो घटिया बेटा उसने हमारी दी को थप्पड़ मारा। तो आज देखते हैं कि आप अपनी चोट का कितना मजा लेती हैं। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरती, समझी? इस बार तो ये बच गई, अगली बार नहीं बचेगी। कहाँ चली मंदिरा आंटी? हम ना कोई खोखली धमकी नहीं दे रहे। कहा था ना आपसे कि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करना अच्छे से आता है हमें। माजी को बहुत चोट पहुंचाई है ना आपने, आपकी वजह से चीखी वो, चिल्लाई वो। लेकिन आज चीखेंगी भी आप और दर्द भी आपको होगा। आज हिसाब बराबर होकर रहेगा। तुम मारोगी मुझे? हाँ, और वो भी बहुत शौक से। मोमेंट का ना हमने कब से इंतजार किया। और पता है मंदिरा आंटी, जिंदगी में ना ऐसे कुछ ही लोग मिलते हैं जिन पे हाथ उठाने से ना कोई बुरी फीलिंग नहीं आती, ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने इतने पाप किए हैं ना कि आपको मारना पुण्य का काम है। भोलेनाथ खुद हमें आशीर्वाद देंगे। नहीं शक्ति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ, देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम ऐसे इंसान नहीं हो। लेकिन माँ जी तो आपसे उम्र में बड़ी थी ना, आपने लिहाज किया? हमने चाची जी से सुना है कि सजा देने में ना उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। कंस भी तो बाकी बिहारी जी के मामा थे ना, उमर और रिश्ते दोनों में बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका अंत किया। ठीक उसी तरह जैसे हम आपका अंत करेंगे। देखो देखो शक्ति, मेरी बात सुनो। वो ना भगवान है ना, तुम तो इंसान हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आप ऐसे बड़ों पे हाथ कैसे उठा सकती हो? ये तुम्हारी परवरिश नहीं है ना? पंडित जी और पंडिताइन जी ने तुम्हें तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।